हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रही हूँ वो है टिकटॉक वीडियो मिस्टर फैज़ू की। अगर आप लोग नहीं जानते कि मिस्टर फैज़ू कौन है तो मैं आपको बता देती हूँ। मिस्टर फैज़ू का जो पूरा नाम है वो है फैज़ल शेख, एंड ये टिकटॉकर है। ये टिकटॉक पर वीडियो सुनाता है। आप नहीं जानते कि टिकटॉक क्या है, या फिर अगर आप या तो मैं आपको बता देती हूँ कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप हैशटैग्स पर, चैलेंजेस पर, सॉन्ग्स पर आप वीडियो बना सकते हैं, वहाँ पे आप हिट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये सब लोग हिट हुए हैं, ये सब लोग टिकटॉक से हिट हुए हैं। या तो आज मैं इसी पर ही रिएक्शन देने जा रही हूँ। तो इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री। तो अब हम चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो ये टिकटॉक वीडियो है मिस्टर फैज़ू की, जिसके अंदर आई थिंक इसका पूरे टीम है, लाइक टीम 07 इसकी टीम का नाम है, जिसके अंदर है मिस्टर फैज़ू, हसनैन, अदनान, फैज़, रियाज नहीं है बट रियाज़ का नाम यहाँ पे दे रखा है, एंड या और भी हैं बट उनका मुझे नाम नहीं पता है। यहाँ पे सिर्फ इनका ही, यहाँ पे सिर्फ ये तीन नाम दे रखे हैं, चार नाम दे रखे हैं, मिस्टर फैज़ू, हसनैन, अदनान एंड रियाज। ठीक है, इसमें लिखा है कि टीम 07 न्यू टिकटॉक वीडियो मिस्टर फैज़ू, हसनैन, अदनान, फैज़ एंड रियाज लेटेस्ट म्यूज़िकली। तो म्यूज़िकली भी टिकटॉक ही है, मतलब पहले म्यूज़िकली था लेकिन अब ये टिकटॉक हो चुका है। मतलब पहले जो टिकटॉक था उसका नाम था म्यूज़िकली, अब उसका नाम हो गया टिकटॉक। सो या, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट फर्स्ट ओके, सो मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ इन वन, सॉरी इन थ्री टू वन, गो। मेरे होठों से धुआं धार निकलती है जो बोली, जैसे है जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे है जैसे तो ईद में हो। रियाज मुझे मुझे पसंद है। तो ये हसनैन भासते जा भी दूं, मैं गवाह मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा हा दिल विच तेरे लिए टाइम कट के कर दा मैं प्रॉमिस, मिलने आऊंगा, मैंनु पता है तू फैन सलमान। दिल की खता भी है क्या, आई थिंक ये फैज़ल, आई थिंक नाम पूरा नाम का बताने पे फैज़ल का, तो आई गेस कि यही होगा। New challenge, can you sing this song without blinking? Ready, set, go. Scooby Doo, pa pa, yell boom 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 boom, yell boom 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 boom, yell boom 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 boom, boom boom. Redefine, yeah, one of a kind, but you mash up my mind. You have to get inclined, oh Lord, my baby is driving me crazy. Aaj doob jaao teri aankhon ke ocean mein, slow motion mein. ना जाए बेचारा मेरा, तू ही है बस यारा, सखियां ने मैनू मर मार दिया, कुटियां ने चना गला प्यार दिया, शाम नु तू कुछ की ने। मुझे याद है आता तेरा वो नजर मिलाना, फिर देख के यूं मुस्कुरा के नजर चुराना, तू चलती थी जब ऐसे पल के झुका के मेरे लफ्ज़ों ने चाहा, तुझे कुछ तो बताना।
सॉन्ग है वाला, मतलब जो पहले था वो नहीं गाया था, बट ये वाला। इसके अंदर ज्यादा फैजल के वीडियोस नहीं है, मोहब्बत नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं। निक्की निक्की गल नू वधाई रख दे, चौबी घंटे खप खाना पाई रख दे, एक दूसरे नू करके शुदाई रख दे। तेनू साना लैण दिन टोर तेरी अंबरां दा मून सुन लै, चिट्टी तेरी हुजू हुण सुन सुन लै, तेरे मेरे विच केरा कोई आ गया, पानिया दे वांगू डुल खून सुन लै, पानिया दे वांगू डुल खून सुन लै। जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी सारी वीडियोस, बट अगर मैं सच कहूँ तो इसके अंदर मुझे सारी वीडियोस के अंदर मतलब मुझे फैजल बहुत कम दिखाया है, मतलब मिस्टर फैजल जो है वो बहुत कम दिखाया इन वीडियोस के अंदर। एंड मैं चाहती थी कि मैं फैजल को देखूँ ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा, बिकॉज इन जो पूरी टीम है, यानी कि टीम 07, उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे फैजल ही अच्छा लगता है, बट वो ही नहीं था इस वीडियो में, मतलब था बट इतना नहीं था जिसमें इसमें हसनैन की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ थी एंड और सबकी थी। बट अब नेक्स्ट टाइम जब मैं रिएक्शन करूँगी तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैजल की ही वीडियोज़ होंगी। यस, बिकॉज मुझे और लोग मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, इनकी जो पूरी टीम 07 में से मुझे सिर्फ यही पसंद है फैजल, मतलब मिस्टर फैजू। या तो इसमें जो उनके वीडियोस थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी वीडियोस ही बनाते हैं एंड या ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सारे, और सारे बस ये मुझे बीच का पार्ट काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने दोबारा बोल दिया कि मुझे सारे पसंद है। अभी मैंने कहा कि मुझे फैजल पसंद है, मैं कहूँ सारे पसंद है, कुछ भी बोलती हूँ यार मैं। ओके, सो मैं क्या बोलना चाहती हूँ गाइस कि ये जो है मिस्टर फैजू, अदनान और हसनैन, इन तीनों की जो आईडी है वो बैन हो गई थी, और उनकी आईडी जो बैन हुई थी वो शायद इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने शायद किसी गलत इंसान की साइड ले ली थी, नॉट साइड नहीं ली थी, मतलब कुछ इन्होंने उसके साइड में लाइक फेवर में उसके बोला था, बट आई एम नॉट श्योर। मैं कुछ इस बात पे, इस टॉपिक पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के बारे में बिना कुछ जाने कुछ उल्टा बोलूँ या फिर कुछ गलत बोलूँ उसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसमें कुछ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसकी इनकी आई डी बैन हुई थी, और जो वीडियो इन्होंने डाल दी हमें टिकटॉक पे एंड जहाँ पे भी डाल दी इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो इन्होंने फिर डिलीट कर दी थी, क्योंकि उसके बाद उन वीडियोज़ को देखने के बाद जो उनके फैंस थे एंड जो इनको सपोर्ट करते थे लोग, वो सब ने इनको मतलब उन सब लोगों को बहुत गुस्सा आया इनके ऊपर कि मतलब ये कैसे ऐसे वीडियो बना सकते हैं एंड ऑल। तो फिर उसके बाद इनका जो अकाउंट था वो बैन हो गया था, इन तीनों का टिकटॉक, इन तीनों का, हसनैन का, अदनान का एंड मिस्टर फैजू का, आई गेस कि इन तीनों का ही हुआ था बस। या एंड देन अभी कुछ टाइम पहले ही इनका अकाउंट आया है वापस, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि इनका अकाउंट वापस आ चुका है, क्योंकि आई थिंक 2019 में इनका अकाउंट बैन हुआ था एंड अब आया उनका 2020 में, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली बात है कि उनका अकाउंट वापस आ गया है। या तो बस यही कहना था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी है इसके अंदर जो रियाज है, बट रियाज के बारे में बोलना चाहूँगी, मुझे रियाज बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, बट मुझे रियाज बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब। और वो रियाज मिस्टर फैजू ने कहा था कि मतलब रियाज मुझे उसकी मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है मिस्टर रियाज की, नॉट मिस्टर रियाज, मतलब रियाज की। क्या बट मैं कहूँ ना, मुझे इन सब में से किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, बस फैजल को छोड़ के, ठीक है, वो सही करता है, मतलब उसका मुझे लाइक उसका जो फेस है एंड एवरीथिंग इज़ लुक गुड, बाकी इन सब को, इन सब मुझे, ये सब मुझे पसंद नहीं है, सो दैट्स इट। एंड गाइस फैजल का सॉन्ग आया था जन्नत जुबैर के साथ, दो सॉन्ग आए थे इसके, एंड इसका एक और सॉन्ग आया था यारी पे, आई थिंक यारी सॉन्ग का नाम है, आई एम नॉट श्योर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सॉन्ग पे भी रिएक्शन दूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो गाइज, एंड दैट्स इट गाइज, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। And if you do, then please do like, share, comment and subscribe to my channel because it's free. Bye guys, stay safe and stay home.